ये देखे मेरा पोले, मेरे पोले को मैं मिल लिया। इसको आपने देखा होगा ईद पे, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चा है, सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चा है ये मेरा। जी तो दोस्तों, दिन का आगाज हो चुका है। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? सब फिट? और मेरी मानो तो सब सही जा रहा है ब्रो। तो आज की व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे न्यू व्यूअर्स को, जो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए कि हम जा रहे हैं अपने होम टाउन, हम अपने जा रहे हैं अबाई घर पे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। क्योंकि बेसिकली हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते, पीछे हमारा होम टाउन कहीं दूसरे सिटी में है। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं अपने खालू को लेके, अपनी फैमिली को लेके घूमने फिरने के लिए। और वहाँ पे हमारे चाचू रहते हैं, तायबू रहते हैं, उनसे भी लेंगे। दोस्तों मेरा फेवरेट बच्चा जो है चाचू का रूहान, वो भी वहाँ पर रहता है, उससे भी आपको फिर मिलवाएंगे। और दोस्तों उस शहर के बारे में आपको चीज़ें बताते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है। अभी फ़िलहाल हम रेडी हो चुके हैं और बस निकलने की तैयारी हो रही है। दोस्तों रास्ते में जाते जाते आपसे बातें करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। Mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. दोस्तों मौसम जो है वो तो इस वक्त फुल हैवी हो गया, ठंडा हो गया। हो सकता है नॉर्मल पहुंचते पहुंचते बारिश हो ही जाए। आप बादल देख सकते हैं, आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे बादल। इस वक्त जो है हवा भी ठंडी चल रही है बाहर, क्योंकि दरख्तों दरख्त ही लड़े हैं बाहर, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि बाहर बारिश होने वाली है। हम पहुँच चुके हैं नाड़ोवाल, उससे भूल भी गया कि नाड़ोवाल मेरे ख्याल से नाड़ोवाल जफरवाल रोड। हाँ, ये कौन सी जगह मम्मा, ये वाला चौक कौन सा था? ये बाईपास है, जफरवाल बाईपास है, ये जफरवाल रोड जाती है। दोस्तों ये है CMS स्कूल, इसको हम वैसे क्रिश्चियन कॉलेज कहते होते हैं। यहाँ पे दिए थे हमने अपनी 8वीं क्लास के बोर्ड के पेपर। अल्लाह, ये रास्ता देखे सेम अभी तक वैसे का वैसे ही है, इस ग्राउंड में जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे, हमारे स्कूल के बाकी स्कूलों के इकट्ठे हुआ करते थे। और जो है यहाँ अंदर एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ क्लासेस हैं, यहाँ हमने पेपर दिए, पेपर दे के निकले, यहाँ पे खड़े हुए, वो गेट लगा हुआ, उस गेट के पास हम खड़े हुए थे। और जो है काफ़ी इधर जो है इंसिडेंट भी हुआ काफ़ी, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, दो लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था। और जो है बहुत अच्छा यहाँ पर इंजॉय किया हमने, पेपर भी उसके बाद हमें 9th-10th जो है अकेडमी डाल दिया पापा ने यहाँ पर, तो बहुत ज़बरदस्त याद ताज़ा हो गई यहाँ पे दोबारा से हमारी, डरे सहमे हुए थे जब पेपर देने आए थे। ये है हमारी गली, ये और ये वाला है हमारा घर। अस्सलाम वालेकुम मायर, क्या हाल है? क्या हाल है चाची? रोहन किधर गया है? रोहन ये देखे मेरा पोले, मेरे पोले को मैं मिल लिया। इसको आपने देखा होगा ईद पे, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चा है, सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चा है ये मेरा। पारा शारा, हेलो मैल, कैसे हो? खाना लग चुका है दोस्तों, और चाची के हाथों में भी ऑलमोस्ट मामा वाला जायका आ चुका हुआ है। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद आपको मोहल्ला दिखाते हैं। वाह चाची वाह, थोड़े हत्थ भी ने माड़ा टेस्ट आ ही गया फिर, है 10-12 साल लग गए ने, लेकिन टेस्ट आ गया थोड़े हत्थ भी मामा वाला। ये हमारा घर है, मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर से दिखा सकता हूँ। ये घर है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, ये गली है, पूरा दिन इस गली में हम खेलते रहते थे। ये निशाद अली का घर जो शायद देख रहा होगा ये वीडियो, आ गया सीबजेब का, पूरा दिन इसी गली में हम खेलते रहते थे। ये तो भी गली पक्की हो गई, पहले गली जो है वो कच्ची हुआ करती थी, तो बहुत इन्जॉय की हमने पूरी ज़िंदगी जो है ना, हमने यहाँ पे अच्छी खासी उम्र अपनी यहाँ पे गुजारी है, 18-19 साल हमने ज़िंदगी का यहाँ पे गुजार दी है। अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, लोगों ने घर पक्के कर लिए, पहले तक कच्चे मकान हुआ करते थे। ये दोस्तों खाना खाने के बाद हमने किया है दोस्त से कॉन्टैक्ट, और अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की याद ताज़ा करने के लिए।
हैं दोस्तों, ये देखें दोस्त हमारा स्कूल पुराना। अली भाई पहले बहुत जो है ना क्या कहूँ मैं होते थे, लेकिन अब थोड़ा बियर्ड शेड रख लिया है तो बदल गए हैं। ये देखें बहुत अच्छा, अंकल से मिलते हैं हमारे अंकल। बस घूम फिर लें जरा स्कूल, आप काम करवा लें काम, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए हमारे सर आएंगे, बहुत ज्यादा सख्त है दोस्तों, मुश्किल से बना रहा वीडियो। लंबी उम्र करे, बड़ा मजा आया, यकीन करो एक एक चीज याद है, मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त जी। तो दोस्तों यहाँ से होती है मेरे स्कूल की एंट्रेंस, और यहाँ से फर्दर आपको हमारे फाइक भाई बताते जाएंगे। अली भाई आप साथ रहे उनके, साथ रहो उनके। कौन सी क्लास होती थी यहाँ पे फाइक साहब? हाँ चले जरा क्लास के अंदर चले, अली भाई चले आप भी चले चले चले। वाह लाइट गई हुई है दोस्तों, लेकिन आपको नजर आ जाएगा। हाँ अली दनान फिर उसके साथ जो है पीछे, मैं अली दनान के इस साइड पे गर्ल्स बैठती थी, और रूटीन और एग्जैक्ट मुझे रूटीन जो है ना जिस रो में बैठती थी फाइक साहब बताएं जरा, इधर बैठती थी नाम नहीं ले सकते यार, गर्ल्स बैठती थी तो यहाँ पे नाम नहीं ले सकते। ये हमारा काउंटर रूम होता था, यहाँ पे फीस जमा होती थी, सर गुलफाम यहाँ पे बैठते होते थे, यहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी, डांस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करते रहे, मिली नगमे की, मिली नगमे की। है जब यहाँ पे मैडम हमें बुला के प्रैक्टिस करवाती थी। ये क्लासेस हैं दोस्तों, ये हमने बहुत छोटे होते यहाँ पे पढ़े हुए हैं इन क्लासेस में, यहाँ पे हम बस जो ना छोटे बच्चों की ना खींचने आते होते थे यहाँ पे। ये भूत बंगला होता था यहाँ पे, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन कर दिया। आओ जी बताओ फाइक साहब ये कौन सा रूम है? ये वो रूम है जहाँ पे यहाँ से ना वीक होते थे। हाँ सी सेक्शन बी सेक्शन होते थे, ये देखो यार यहाँ पे हम पेंसिलें रखते होते थे यहाँ पे ऐसे। आ जाओ यार, उन्होंने सारे झूले उतार दिए यहाँ पे, जो है ना शीशा लगा होता था यहाँ पे, पिंग होती थी तो वहाँ पे हम कोड़ी डालते थे उस दरख्त के पास। ये भी मैम फलावरा, मैम फला इस रूम में पढ़ाती होती थी। ये हमारा मशहूर जो है ना पिंग है, ये देखें कैंटीन टक शॉप है, ये फिलहाल बंद है, यहाँ से हमें खाने को मिलता होता था। ये सीढ़ी जो है ना स्लाइड, ये अभी की वैसी बल्कि दो होती थी, अब उन्होंने एक दफ़ा ले के दिखाओ भाई, फाइक साहब ले के दिखाओ, अली भाई आओ आप भी, आप भी आओ आओ बेटा, अब रगड़ा लग जाए नीचे से फाइक ये फाइक साहब तो उड़ चल के आते थे, फाइक साहब जरा भाग के आओ, फाइक साहब आ जाओ जल्दी आ जाओ, खड़े हो के आना खड़े हो के है। अच्छा फाइक साहब तब यहाँ से खड़े हो के आते होते थे, सामने खड़ी होती थी कोई और फाइक साहब यहाँ से ना वो वो चिल्ला गया ना, तू फट तो नहीं गई पेन? ये देख अली साहब बड़ा एंजॉय किया हुआ है यहाँ पे, आ गए हैं। ये दरख्त पे फाइक साहब क्या होता था? यहाँ पे कोडी कोडी डलती थी इस दरख्त के पास। वो किस्सा सुनाओ, पत्ता खाया था किसका? एलिफेंट का पत्ता इधर लगा होता था, वो किसी ने खा लिया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ से हम कोड़ी डाल के पूरे ग्राउंड में खेलते थे। ये है वो स्टेज जहाँ पे सुबह सुबह असेंबली होती थी, बच्चे यहाँ को खड़े होते थे स्टेज पे, जो है तलावत पढ़ी जाती थी, नात पढ़ी जाती थी, कौमी तराना पढ़ा जाता था, पीछे तराना लिखा हुआ था लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। फाइक साहब थोड़ा तराना सुना दें ज़रा, सीधा खड़ा होकर तराना सुना दें, नहीं आता तराना, तराना नहीं आता फाइक साहब को, भूल गए हैं। ये भी यहाँ पे इन्होंने परिंदे वगैरह रखे हुए थे, मोर शोर इन्होंने तब के पुराने, और ये वैसे के वैसे वाशरूम थोड़े से अपडेट हो गए हैं, दरवाजे इनके नहीं दिखा सकते आपको अंदर से। ये बेसन भी तब का वैसे का वैसा है, ये जो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं यार इसको, पीने की पानी पीने की जगह, ये भी फिलहाल वैसे की वैसी है बिल्कुल सेम। आए जी फाइक साहब, यहाँ हमारी सबसे बेस्ट क्लास थी, ये एट क्लास थी फाइक साहब,
अंदर चलो ना, बताओ अंदर जाके कौन था, कहाँ पे क्या था, या बता नहीं रहे फाइक साहब आप। वैसे तो आपको अच्छे से याद है सब कुछ, ये देखे बच्चों की क्लास लगती है, अभी तक महक वैसी आ रही है। ये जरा खिड़कियां तो देखिए जरा फाइक साहब, यार चेयर पे बैठो यार फाइक साहब, इधर आओ फाइक साहब। अली शराज तुम पीछे बैठो, फाइक आगे बैठ जाएगा फिलहाल। हाँ पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ फाइक साहब, आप आगे बैठो ना, इधर इधर कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट इधर होता था। अली शराज अमूमन यहाँ पे, और फाइक यहाँ बैठ के ना, फाइक यहाँ बैठ के सेम यही हरकतें करता था। ये क्लासेस में भी हम पढ़े हुए, छोटे होते ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन इतना याद नहीं है। इस इन क्लासों में भी हम जो है, कौन सी वाली, हाँ ये वाली, ये तो क्लास बड़ी लंबी होती थी यार। ये आप मैडम नबीला बनाती थी और मैडम नबीला कहती थी बाय, मैं तुम्हें देख रही हूँ। यहाँ पे जो बच्चा बैठता था वो छुप के बैठ जाता था कि जो है ना उसे नजर नहीं था आता होता यहाँ पे। ये देखें, ये भी यहाँ से खिड़की से बाहर ताकना होना, लड़कियों ने यहाँ बैठा होना, इंक पॉट वगैरह रखी होनी। टेबल अभी तक वैसे के वैसे हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बदले। यहाँ पे अच्छा क्या होते थे यार, इनको क्या बोलते थे यहाँ पे ना, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल की बुक्स होती थी। यहाँ बैठ के हम तैयारी भी अक्सर करते होते थे, शाम यहाँ पे लगती होती थी मड़ी। और ये ऑफिस है, ये किचन होता था, इन्होंने अपडेट कर दिया। और ये जो जगह थी, अलीशरा सब खड़े हो जाए यहाँ पे, मैम आपको लेके आती थी, आप यहाँ पे कैसे खड़े होते थे, बस जिसम कांप रहा होता था, ऐसे खड़े होना होता था, यहाँ से निकलते थे सर, ऐसे पांचों छेड़ों, मैं शिराज फाइक एहसन कश्यप, यहाँ पे बहुत मार पड़ती होती थी सर, ऊपर से स्टिक निकाल लेते थे। ये जामन का दरख्त लगा होता था, जामन पूरा दिन जो है ना नीचे गिरते रहते थे। यार इसकी वो कहाँ गई है, थोड़ी कहाँ गई है बैल की, ये मशहूर बैल हमारी दोस्तों, थोड़ा सा बजा के तो दिखाओ, ये तो थोड़ी होनी चाहिए इसकी, ऐसे जो है बैल बजती होती थी। भट्ट साहब हमारे, उस्मान भट्ट साहब आ गए, अल्लाह का शुक्र है भाई हमारी इनसे मुलाकात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है उस्मान भाई, ठीक ठाक हो, तबीयत से ठीक है? ये देखे जरा, ये तीनों भी तक गपियां मार रहे हैं, और सर का हुक्म है जो क्लास में सबक नहीं याद करके आ रहे, होमवर्क क्लास वर्क नहीं करके आ रहे ना, बाहर आ जाए, आ जाए आ जाए। अली शराज आप फाइक, ये तब भी ऐसे ही हंसता था जब इसको बाहर बुला लेते थे। लाइन में ना आगे आना है, लाइन में लोगो, चलो उस्मान सबसे ज्यादा लाइक थे, सबसे ज्यादा आगे, चलो ये लाइन में ना आगे आओ, चलो ये जनाब ना, ये स्माइल तब भी ऐसे ही होती थी इनके चेहरों पे। इधर लाइन से खड़े हो जाए आप, मैं सर आरफ को बुला के लाती हूँ। मैंने तो आपको सबक सुना दिया, मैं वो थोड़ा सा गलत भी हुआ है ना, बुलाते हैं यहाँ से जनाब, सर आते होते थे बाहर। सर वो मैं ना मामा को लेके बाहर गया था, तो अभी अभी आया, अभी थोड़ा आया हूँ, तो मुझसे नहीं हो सका, चोट लग गई है। ये सारे बहाने तब भी थे और अब भी ऐसे ही है, कहाँ पे हमारे पुराने दिन गुजरे हैं। बहुत ज्यादा इधर बदल भी चुके, इधर क्यारियां होती थी वो उन्होंने खत्म कर दी है, यहाँ पे फाउंटेन होता था, कैच खेलते थे, कोडी कोडी खेलते थे वहाँ पे, और यहाँ पे दो दरख्त होते थे यहाँ पे। हाँ ये बिल्डिंग नहीं थी होती, ये न्यू बनी थी बिल्डिंग। दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल साहब से, मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत डांटे थे, बहुत मारते थे, लेकिन हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बना गए हैं, कुछ ना कुछ सिखा गए हैं। और ये वाइट शर्ट में आपको नज़र आ रहा है फाइक है दोस्तों, शलवार कमीज़ में जो नज़र आ रहा है ये है अली शराज, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब जो हैं हमें मारते बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। ये है आपके सामने भट्टों का भट्ट, शहजादा भट्ट नारोवाल की हस्ती है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा दोस्तों। ये हैं हमारे जो है कैंटीन के अंकल हुआ करते हैं, और अभी भी बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ये है वो ग्राउंड जहाँ पे हमारी असेंबली लगती थी, और बहुत ज़्यादा डर लगता था दोस्तों मैं यहाँ पे। चलिए शराज साहब, अल्लाह हाफिज़। ओके फाइक भाई, बहुत शुक्रिया मेरी जान टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया यार, इंशाल्लाह फिर ना टाइम इसी चीज़ के लिए निकाल के आएंगे जरूर। ओके अली भाई, बहुत शुक्रिया यार टाइम देने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, नाड़ो वाले से भी इसी के लिए आएंगे, ठीक है।
ओके भाई भाई, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आपको मैं मिलवाना चाहूँगा अपने बहुत अजीज तायाबू ताया जान हमारे। अस्सलाम वालेकुम तायाबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है तायाबू, ठीक ठाक हैं आप? वेरी गुड है काम, जबरदस्त, वेरी गुड। बहुत अजीज है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार है इनसे। अभी जो है ना, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी तक दिखने में वैसे ही लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आए भाई, आए, निकलने की तैयारी हो रही है दोस्तों। वापस घर की तरफ निकल रहे हैं हम, और जो है लाहौर वापस पहुँचना शाम होने से पहले पहले, तो हम फौरी तौर पर पहले घर की तरफ निकलेंगे। हमारे खालू, हमारे सॉरी फूफा जी, हमारे ताया वो, अल्लाह हाफिज़ बोले लाहौर आओ हमारे पास रहने के लिए फिर से। लोगों को बताओ ये हमारा, ये हमारा वही पोला है ईद वाला जो मेरे पास मिलने के लिए आया था, बड़ा फेवरेट बच्चा। चलो चाची, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ चाची, अल्लाह हाफिज़ ताई। दोस्तों बस हमारा एक दूसरे के मिलने के लिए, उसके बिना बिना हम जा नहीं सकते। आए हीरो मेरा, हीरो शहजादा मेरा। अस्सलाम वालेकुम, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'm a... घूम लिया है, रिश्तेदारों से मिल लिया है, और अभी हम सिर्फ लाहौर वापसी की तरफ जा रहे हैं जो कि शाम होने वाली है। तो हम एहतियात से ड्राइविंग करेंगे, सिर्फ अंकल मना कर रहे हैं बार बार के जो है ना ड्राइविंग एहतियात से करो, तो हम अभी फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ लाहौर जाके आपसे पूरी बात होगी। दोस्तों आप हमारे साथ रहिए। जी तो दोस्तों हम अपने घर वापस पहुंच चुके हैं लाहौर में, और हम मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा टूर था हमारे नारोवाल का। पुराने दोस्तों से मिले, पुराने अपने प्रिंसिपल से मिले, अपने रिश्तेदारों में से मिले, और मैं अपने पोले से मिला, अपने चाचू के बेटे से मिला। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ दोस्तों। और अभी जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी सिर्फ हम खाना खाएँगे और आराम करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।